Hello students, welcome to Smart World, the School of Complete Education. This is chapter number 16 of English, The Seven Sisters. क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर सेवन सिस्टर्स से किसको संबोधित किया गया है? मैं बताती हूँ. नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो सात स्टेट्स हैं, जो इंडिया से थोड़े से अलग हैं, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता है. आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा. स्टेट अपने बारे में आता है. सबसे पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश. हाय, दे कॉल मी द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ मॉनलिट सन. आई एम अरुणाचल प्रदेश. तो वो बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन और लैंड ऑफ डॉनलिट सन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ का सनसेट और सनराइज काफ़ी सुंदर होता है यहाँ से देखना. माई पीपल आर सिंपल एंड हॉस्पिटेबल. यहाँ में रहने वाले लोग काफ़ी साधारण हैं और हॉस्पिटेबल का मतलब कि वो अपने गेस्ट को बहुत ही प्यार से वेलकम करते हैं और उनकी अच्छी देख रेख करते हैं. They belong to many tribes, speaking their own languages. तो यहाँ के जो लोग हैं वो किसी एक जात के नहीं हैं, वो कई सारी ट्राइब्स के हैं और सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं. मतलब यहाँ पर कई मिक्स लोग रहते हैं. Their diet is largely made up of rice and fish and meat and many green vegetables. तो इनकी जो डाइट होती है वो ज़्यादातर क्या खाते हैं खाने में? मछली और चावल और हरे वेजिटेबल्स. मोमोज और स्टीम्ड बंस भी यहाँ की कुछ फेमस डिशेज हैं. आई एम नेचर्स लवर्स हेवन. माई लैंड इज स्पॉटेड विद मोनास्ट्रीज, लश ग्रीन फॉरेस्ट, लेक्स, वाटर. इन माई लाइमस्टोन केव्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व्स यू विल फाइंड अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नेचर यानी प्रकृति से बहुत है तो वो उसे मुझे ज़रूर विज़िट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक ब्यूटीफुल सीन्स हैं, जैसे कि मोनास्ट्रीज है, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, रिवर वैलीज हैं. तो ये सब चीज़ें देखने लायक हैं. यू मस्ट मेक अ पॉइंट टू विज़िट द 400 ईयर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री. यहाँ पर 400 साल पुरानी तवांग नाम की एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है. यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है उसका नाम है ज़ीरो. एंड नमधापा टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर काम चल रहा है. यहाँ पर कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं जहाँ पर रेयर एनिमल्स यानी जानवर मिलते हैं जो कि पूरे इंडिया में हर जगह नहीं मिलेंगे. तो आपको यहाँ ज़रूर विज़िट करना चाहिए अगर कभी मौका मिले. सेकेंड सिस्टर है आसाम. यहाँ के लोग भी काफ़ी साधारण और अच्छे व्यवहार के हैं. यहाँ की क्यूज़ीन बहुत ही फेमस होते हैं क्योंकि बहुत ही अलग प्रकार के अरोमा और फ्लेवर्स से बनाया जाता है यहाँ का खाना. द रिवर्स इंश्योर दैट माई टेरिटरी इज़ लश एंड फर्टाइल विद वेटलैंड्स, ऑर्चर्ड, टी स्टेट्स एंड सीनिक फॉरेस्ट एंड पार्क्स. आसाम की चाय तो बहुत फेमस है, हम सभी जानते हैं. यहाँ पे क्योंकि रिवर्स बहुत बहते हैं इस वजह से यहाँ का जो सॉइल है बहुत ही फर्टाइल है, जिसकी वजह से वेटलैंड्स हमेशा गीले रहते हैं और वहाँ पर अच्छी फसल भी उगती है. ऑर्चर्ड्स भी यहाँ के फेमस हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क यहाँ के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चरिस्क लैंडस्केप्स हैं, गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स हैं और काफ़ी सारे टी स्टेट्स हैं. ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम की लाइफलाइन है. यहाँ पे जो लैंड है वो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, लाइमस्टोन, इन सब मिनरल्स में काफ़ी रिच है. यहाँ की सिल्क भी बहुत फेमस है. यहाँ की सिल्क के फैब्रिक्स का नाम एरी, मूंगा, पट कुछ फेमस फैब्रिक्स हैं और पूरी दुनिया के लोग यहाँ की फैब्रिक्स के लिए यहाँ पर आते हैं और फैब्रिक्स लेकर जाते हैं. आई एम नोन एज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. द मेजर
केन और बैम्बू भी यहाँ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, और यहाँ के सनशेड और मास भी बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली चीज़ है। कोई भी अगर यहाँ पर आता है तो इन्हें लिए बिना नहीं जाता। तीसरी सिस्टर है मेघालय। यहाँ इसकी कैपिटल सिटी है शिलोंग, या उसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। यहाँ के लोग इंग्लिश, काशी, पनार और गारो की भाषाओं में बात करते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है जैसे कि बाकी के दो। यहाँ पे काफ़ी सारी हिल्स और वैलीज़, पहाड़ और वाटरफॉल्स, केव्स और फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। झूम शिफ्टिंग कल्चर यहाँ का बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस किया जाता है। झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जब एक फसल आपने उगाई फिर जब आपको दूसरी फसल उगानी होती है तो आप पहली वाली को जला देते हो, हालांकि इससे पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता है। ये भी असम की तरह कोल में और मिनरल्स में, लाइमस्टोन में, यूरेनियम में रिच है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे रिवर्स हैं। मौसनरम जो कि पूरी दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस पाई जाती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी या मौसनरम भी यहीं पे लोकेटेड है। यहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज भी पाए जाते हैं। कुछ का नाम जैसे क्रेमलियाट्रा, ये लार्जेस्ट केव है। सियानरंग पियामंग जो कि यहाँ का डीपेस्ट केव है। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है वंगाला, जो कि ऑटम के महीने में मनाया जाता है। चौथी सिस्टर है मणिपुर। ये फोर्थ सिस्टर है और इसको ज्यूवेल लैंड भी बोला जाता है। यहाँ का कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ के पीपल मीटी एथनिक ग्रुप और मीटी या मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। और पूरे यूरोप में खेला जाता है। यहाँ के लोग भी मछली, चावल और हरे पत्तों वाली सब्जियाँ ही खाते हैं। यहाँ पर भी पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, और आई एम द होम टू अ होस्ट ऑफ रेयर एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल लाइफ। एंडेमिक मतलब कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क यहाँ का एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर कई सारी एंडेंजर स्पीशीज़ भी मिलती हैं। लोकटक लेक और फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए भी ये जगह फेमस है। मणिपुरी डांस तो पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ की आर्ट, तंग ता और सारी सड़क बहुत ही फेमस है। पांचवा स्टेट है मिजोरम, इसको लैंड ऑफ हिल पीपल भी बोला जाता है, या फिर कुकीज़। यहाँ पर भी बाकी के स्टेट्स की तरह लश ग्रीन फॉरेस्ट हैं, शांति भरे लेक्स और वाटरफॉल्स हैं, हिल्स हैं, बैम्बू ग्रूव्स हैं, ग्रीन पैडी फील्ड्स हैं। एक अलग चीज़ जो यहाँ पर है वो है वाइन यार्ड्स और वाइल्ड लाइफ। ये भी नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। यहाँ का कैपिटल है ऐज़वाल, से बहुत ही सुंदर लैंडस्केप देखने को मिलता है। तलवांग रिवर जो है वो यहाँ की वैली से निकलता है। जरखावत पोर्ट्रेट्स कल्चर ऑफ मिजोरम विद स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम्स, आर्टिफैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल रिलिक्स। तो यहाँ पर सिटी के बीचों बीच एक म्यूजियम है जिसका नाम है जरखावत, जहाँ पर यहाँ के सारे ट्रेडिशनल कल्चर्स, आर्टिफैक्ट्स, कॉस्ट्यूम्स, हिस्टोरिकल रिलिक्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ का पालक लेक बिगेस्ट है मिजोरम में, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल वाइनयार्ड्स हैं जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। चंपाई एक जगह है जिसको फ्रूट बाउल ऑफ मिजोरम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वाइनयार्ड्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स, वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ पर भी नेशनल पार्क्स हैं और 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मिजोरम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। छठा स्टेट है नागालैंड, ये स्मॉलेस्ट है सब में से, और इसका कैपिटल है कोहिमा। इस स्टेट क्षेत्र है
माउंट सारामती जो है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक है और ये एक बैरियर बनाता है नागालैंड और बर्मा के बीच में। यहाँ पर 16 ट्राइब्स और सब ट्राइब्स रहते हैं और ये लोग कलरफुल ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स और बीड्स डिज़ाइन करते हैं। यहाँ के पीपल फैशन और डिज़ाइनिंग की वर्ल्ड में काफ़ी जाने जाते हैं और कई सारे फैशन तो यहीं से उठ के बिकम अ पैराडाइज फॉर दोज हु आर इनटू फैशन डिज़ाइनिंग। पीपल रेफर टू मी एज एन एफ्लुएंट फैशन स्टेशन ऑफ द ईस्ट। पूरे ईस्ट का फैशन स्टेशन जाना जाता है नागालैंड। माई लैंड इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर ट्रेकिंग। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है इसलिए ट्रैकिंग, जंगल कैंपिंग और ऐसी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कई सारे मेडिसिनल हर्ब्स भी मिलते हैं। इसको फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वन ऑफ द फेमस बर्ड्स है जो कि सिर्फ यहीं पाई जाती है। यहाँ के लोगों को नागास बोला जाता है। ये लोग फन लविंग और बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं। यहाँ पर समय समय पर डांसेस और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। नागा हेरिटेज विलेज यहाँ के कल्चर को बहुत ही अच्छा शोकेस करता है। और यहाँ का एक मोस्ट फेमस फेस्टिवल है द ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि उस चिड़िया के नाम पर ही बेस्ड है। त्रिपुरा 6th स्टेट है। ये 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है पूरे इंडिया में और बांग्लादेश से बॉर्डर्ड है। त्रिपुरा का मतलब होता है 3 सिटीज़। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि त्रिपुरा का मतलब है 3 सिटीज़ और ये पूरे इंडिया में 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है। बहुत सारे स्कॉलर्स यानी फिलोसोफर्स ये बिलीव करते हैं कि त्रिपुरा पहले के टाइम में एक किंग जिसका नाम था त्रिपुर, उनके द्वारा रूल किया गया था, इसलिए उसका नाम है त्रिपुरा। यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल जोन्स हैं। द हिल रेंजेस विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द अंडुलेटिंग प्लेट्यू लैंड एंड द लो लाइंग एलुवियल प्लेन्स। बहुत से रिवर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द कोकबोरक स्पीकिंग त्रिपुरी पीपल आर द मेजर ग्रुप अमंग द मेनी ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स। यहाँ पर काफ़ी सारी ट्राइब्स रहती हैं जैसे कि और सारे स्टेट्स में रहती हैं, पर उन सब में से कोकबोरक स्पीकिंग लोग मेजर हैं। बंगाली और मणिपुरी पीपल जो हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं और बहुत ही शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहाँ पर पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि नेशनल हाईवे कोई भी यहाँ से कनेक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आके यहाँ का आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म और इको टूरिज्म देख के किसी की भी। द नीर महल इज़ अ गॉर्जियस रेड एंड वाइट वाटर पैलेस एम्प्टी बाय शिमरिंग ऑन इट्स ओन आइलैंड इन द लेक ऑफ रुद्रसागर। यहाँ पर एक लेक है, झील जिसका नाम है रुद्रसागर, उसके अंदर एक महल है जिसका नाम है नील महल जो कि रेड और वाइट वाटर पैलेस है, वो देखने में बहुत ही सुंदर है। पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स पार्टिसिपेट इन द स्टेट फेस्टिवल्स। यहाँ पे कई सारे स्टेट फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि गढ़िया, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, कराची, पौष संक्रांति, बीजू और क्रिसमस। सारे लोग मिलके ये सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आज आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इस चैप्टर से, और अगर आपको कभी भी मौका मिलेगा तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी स्टेट में ज़रूर विज़िट करेंगे।